श्रीहर्ष का जीवन परिचय। श्रीहर्ष 12वीं सदी के संस्कृत के प्रसिद्ध कवि तथा दार्शनिक थे। उनमें उच्च कोटि की काव्यात्मक प्रतिभा थी तथा वे अलंकृत शैली के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वे श्रृंगार के कला पक्ष के कवि थे। महान कवि होने के साथ साथ वे बड़े दार्शनिक भी थे। खंडन खंड खाद्य नामक ग्रंथ में उन्होंने अद्वैत मत का प्रतिपादन किया। इसमें न्याय के सिद्धांतों का भी खंडन किया गया है। महाकवि श्रीहर्ष की माता का नाम मामल देवी और पिता का श्री हीर पंडित था। वे बनारस एवं कन्नौज के गहड़वाल शासकों विजय चंद्र एवं जय चंद्र की राजसभा को सुशोभित करते थे। उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की, जिनमें नैषधीय चरित महाकाव्य उनकी कीर्ति का स्थायी स्मारक है। नैषधचरित में निषद देश के शासक नल तथा विदर्भ के शासक भीम की कन्या दमयंती के प्रणय संबंधों तथा अंततो गत्वा उनके विवाह की कथा का काव्यात्मक वर्णन मिलता है। इनकी रचनाएं 1 नैषधीय चरित, 2 खंडन खंड खाद्यम, 3 विजय प्रशस्ति, 4 शिव शक्ति सिद्धि आदि है।